जलगांव में बड़े बड़े मार्केट्स तो बनाए गए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सभी मार्केट जीरो ही हैं। और सुविधा अगर नहीं मिलती है तो मनपा को लोग क्यों टैक्स देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए आगे आई है मनसे। जलगांव मनसे की ओर से जलगांव के मनपा आयुक्त को एक निवेदन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि मनपा के जितने भी मार्केट्स हैं, उनमें टॉयलेट्स में गंदगी की भरमार पड़ी है, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, जिससे वहां आने जाने वालों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। साथ ही जितने व्यापारी हैं, वो भी दुर्गंध की वजह से परेशान रहा करते हैं। इसलिए जल्द से जल्द यहां कार्रवाई कर साफ सफाई करवाई जाए, ऐसी मांग मनसे की ओर से की गई है। महानगर पालिकेच्या अंडर मध्ये पता है, महानगर पालिकेच्या संडास बाथरूम अशी अवस्था झाली तर आज ज्या महिला पण आपल्याकडे येतात मार्केट मध्ये, तर त्यांना संडास बाथरूम साठी जाण्यासाठी जागा नाहीये। आणि जे पण जागा आहे त्या ठिकाणी, असं मला माहित पडलं की जे दुकानदार आहेत त्यांनी त्याच्यावरती कब्जा केलेला आहे, आणि संडास बाथरूमची जी जागा होती त्यांनी दुकान तयार करून टाकलेली आहे। तर याविषयी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन द्यायला आलेलो आहे। यांनी आमचं 10 दिवसांमध्ये नाही दखल घेतली तर आम्ही 14 तारखेला तीव्र आंदोलन करू, हा इशारा मी तुम्हाला आपल्या माध्यमातून देतो। प्लस आता जे पण जे घटना घटणार आहेत, म्हणजे ज्या ठिकाणी जे पण मार्केट आहेत त्या ठिकाणी ज्या संडास बाथरूमची दैनंद अवस्था झालेली आहे, त्याचे मी फोटो व्हिडिओ वगैरे सर्वे काढून ते 14 तारखेला आता जनतेसमोर मांडणार आहे। बात सिर्फ गंदगी की ही नहीं है, आप यहां पर देखिए किस तरह से मनपा के मार्केट्स में बिल्डिंग पर बड़े बड़े पेड़ लगने लगे हैं। पीपल का ये पेड़ अपनी जड़ों को बहुत आगे तक ले जाएगा और आगे चलकर ये किसी भी मकान को गिराने में भी सफल हो सकता है। ऐसे में मनपा को चाहिए कि ध्यान दे और ऐसी सारी समस्याओं को दूर करे। दूसरी तरफ यहाँ जो पानी भरता है गोलानी मार्केट में, वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और खराब है। मच्छर पैदा होंगे जिससे डेंगू हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर अक्सर लगा करता है। सिर्फ किसी चीज को बना देने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बल्कि अगर आप किसी चीज को बनाते हैं, उसका टैक्स लेते हैं, तो रखरखाव का जिम्मा भी आप ही का है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शुभमङ्गलम् नक्षत्रमङ्गलम् अलङ्कारमङ्गलम् रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ।